आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा अद्भुत और मां प्रकृति का एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा, इनकी शक्तियों का, इनके आशीर्वाद का प्राप्त करके आप अपने प्यार को ऐसा कर देंगे कि जिस स्त्री या पुरुष के ऊपर करेंगे वह आपको खुद ढूंढकर आपके पास आएगी, चाहे आप कहीं भी हो। लेकिन इस उपाय को करेंगे तो, क्योंकि आप तो यह चीज जानते ही होंगे कि व्यक्ति जाने या अनजाने में कोई भी स्थिति में अगर कर्म करता है तो भी उसका फल मिलता है। व्यक्ति यही चीज समझ नहीं पाता कि वो जो सोच रहा है वह हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जो सोचना है वह होता नहीं है, अर्थात आप जो कर्म किए हैं उसके अनुसार होता है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो। और एक चीज आप देख सकते हैं कि प्रकृति जो है, पंच महाभूत जो है, एक नियम में चलता है। आपको भी इस 2 मिनट के नियम का पालन करना है, फिर देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कार। प्यार तो आपके पीछे यूं भागेगा, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, धन दौलत रुपए पैसे आयु बल तेज वृद्धि होगी, लेकिन उसका चर्चा करना एक वीडियो में संभव नहीं है। सिर्फ आपको प्यार का जो होता है रहस्य और प्यार को पाने के जो तरीके हैं उसे मैं इसमें बताऊंगा। प्रकृति का रहस्य, सबसे पहले इस चीज को थोड़ा समझिए कि जिस प्रकार सूर्य चंद्र दिन रात हवा पानी पंच महाभूत असली भगवान अपने एक नियम में चलता है, वह कभी नियम को तोड़ता नहीं है, सतत चलता है, निरंतर चलता है। ऐसा है मनुष्य का शरीर है, आपको निरंतर भूख लगती है, प्यास लगती है और भी सोच पेशाब लगती है, यह आप सतत की क्रिया में करते हैं। तो इस नियम को भी आपको इसी तरह प्रकृति के अनुसार सतत में करना है, करना कुछ नहीं है बस, लेकिन निरंतर करना है। इस निरंतरता में आप सोच भी नहीं सकते कि उस चीज को हासिल कर लेंगे। जब इसका परिणाम देखेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपका होश उड़ जाएगा। जो व्यक्ति जिसके आप उम्मीद भी छोड़ देंगे वह भी आपसे आकर मिलेगी और आपके पास रहेगी। तो सोच सकते कितनी बड़ी बात है, लेकिन इस नियम का पालन करना अनिवार्य। अब करना क्या है इसे ध्यान से सुनिए। जब सोएंगे, सोएंगे अर्थात जैसे ही आपकी नींद पड़ने वाली हो, उस समय आंखें बंद करना है, 2 मिनट का ध्यान करना है, ध्यान में सिर्फ मुस्कुराना है और मुस्कुराते हुए अपने अपने आप को, है ना, अपने अंदर अपनी आत्मा को धन्यवाद देना है कि जिस स्त्री या पुरुष को आप चाहते हैं उसका चेहरा याद करना, उसका नाम लेना है, उसे मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान को नहीं बोलना, अपने आत्मा को बोलना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके अंदर भगवान बैठा हुआ है, आपका बस जागृत नहीं है इसलिए आपको वह चीज जानते नहीं। और इस चीज को आदमी तब समझ पाता है जब वह मरता है, अर्थात जब मरता है उसके शरीर जो है उसकी आत्मा से अलग होता है, तब उसे समझ में आता है कि आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। इसलिए उस टाइम तड़पता है कि मेरे शरीर को मत जलाओ, लेकिन उस समय जब आत्मा यह चीज बोलती है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो इस गुप्त रहस्य को मैं अभी आपको बता रहा हूं, अभी समझ लीजिए कि जब आप सोने वाले रहेंगे तब ध्यान की अवस्था में पहुंचना है, सिर्फ 2 मिनट अपनी आत्मा को बोलना है, अंदर की आत्मा को, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस प्यार को देने के लिए जिसे मैं बहुत चाहता हूं, उसके लिए धन्यवाद, आपका जागृत होने के लिए धन्यवाद, यह बोलना है जस्ट सोने से पहले। और इसी क्रिया को प्रतिदिन उठने के बाद तुरंत, जैसे आप बेड को त्यागे या फिर बिस्तर को छोड़े, उससे पहले सबसे पहले उठकर यही कार्य 2 मिनट ध्यान की अवस्था में बोलना है, और इसे प्रतिदिन में बोलना है। मित्रों होता क्या है, इसे तो वैज्ञानिक भी जानते हैं और सिद्ध कर चुके हैं कि जो थॉट या जो विचार आप लेकर रात में सोएंगे वही विचार वही थॉट आपके साथ चलते रहती है। और आप इस चीज को भी जानते हैं कि जब आप सोते हैं तो उसके बाद आपकी आत्मा कहीं चली जाती है, उस समय आपका शरीर निद्रा की अवस्था में रहता है। यह चीज बहुत गुप्त रहस्य, बस आप उपाय को करिए, क्योंकि अगर इसको मैं समझाने बैठूंगा तो आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देगा। इस नियम को पालन कीजिए, यह सिद्ध नियम है, प्रयोग किया हुआ है, इसमें इतने ज्यादा फायदे हैं, आपको नुकसान कहीं भी नहीं होगा। सात्विक तरीके से प्यार आएगी या आएगा जो कभी छोड़कर नहीं जाएगी, और कभी भी भूलकर जादू टोने के चक्कर में मत पड़ो, गलत तरीके से लाओगे तो कभी नहीं आएगी, और आएगी भी तो कुछ सालों में कुछ समय बाद छोड़कर चली जाएगी। अगर अधिक जानकारी चाहिए या समस्या है तो नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।